નમસ્કાર, મેં આર્ટિસ્ટ નિરુપમા ટાંક, ભાવનગર, ગુજરાત સે. યહાં પર આપ દેખ સકતે મેં એક ગણપતિ કા સ્કેચ બના રહી હું, જો મેં પેન સે કર રહી હું. मैं काफ़ी सारा टाइम से पेंटिंग बना रही हूँ और ये मेरी अपने स्टाइल का एक पेंटिंग है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ. वैसे तो मैं सभी माध्यम को पसंद कर रही हूँ और सभी माध्यम में मेरा काम रहता है. मैंने फाइन आर्ट्स भावनगर से पास किया है और फिर अलग अलग माध्यम से मैं काम कर रही हूँ. अभी लॉकडाउन में मैंने काफ़ी सारा काम किया है, तो मैं वो काम आपको सबको बताऊँगी. ये काम मैंने ऑयल में किया है. ये मैंने लैंडस्केप बनाया है. एक जयपुरी पेंटिंग है जो 300 GMSS पेपर में मैंने बनाया है. फिर ये अभी साड़ी बीच थी तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है तो उसके बारे में कुछ दर्शाने की कोशिश की है. इसमें सभी वो जो शामिल हुए हैं रथ यात्रा में उसी को मैंने दर्शाए हैं, जो सभी मुकुट पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और सभी को मैंने गोल्डन मास्क पहनाया है. क्योंकि मेरा मानना है कि अभी लॉकडाउन के समय में गोल्ड से भी बेहतर मास्क की ज़रूरत होती है. फिर ये एक युद्ध का है, शिकार का, जो शिकारी दिखाया है साथ में. फिर ये हमारे भावनगर का राजा का महल है. ये पोर्ट्रेट है ना हनुमान जी का, जो मैंने ऑयल और कैनवास पे बनाया है. इस तरह मेरा काफ़ी अलग अलग काम रहता है, मैं हमेशा अलग अलग काम करती हूँ. यहाँ पे एक आप देखते हैं सितार, जो मैंने एक्रेलिक कलर में बनाया है. फिर एक ये भी काम है मेरा जो एक्रेलिक में बना रही हूँ मैं, जिसमें महाभारत का एक प्रश्न मैंने लिया है. तो इस तरह मैं हमेशा अलग अलग माध्यम में काम करती हूँ और अलग अलग मेरा क्रिएशन रहता है. थैंक यू वेरी मच.